हेलो फ्रेंड्स, मेडिसिन जानकारी के चैनल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले प्रोटीन प्लस चॉकलेट फ्लेवर पाउडर के बारे में। प्रोटीन प्लस चॉकलेट फ्लेवर पाउडर का क्या यूज है, कब इसको यूज़ किया जाता है, कितने दिनों का यूज होता है, यूज़ करने से क्या बेनिफिट होते हैं, इसके क्या साइड इफेक्ट्स है, इसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स डाल के किस प्रकार काम करता है। तो प्रोटीन प्लस चॉकलेट फ्लेवर पाउडर के बारे में संपूर्ण जानकारी वीडियो के अंत तक बने रही। चैनल पे वीडियो पे पहली बार विजिट किए या आप ही आप नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो शेयर करते एक छोटे से इंट्रो के बाद। दिस वीडियो इज ओनली एंड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। सब्सक्राइब करें मेडिसिन जानकारी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। शुरू होते प्रोटीन प्लस चॉकलेट फ्लेवर पाउडर, जो कि हमारे पास 200 ग्राम का पाउडर है। प्रोटीन प्लस चॉकलेट फ्लेवर पाउडर को इंतास फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। प्रोटीन प्लस चॉकलेट फ्लेवर पाउडर के अंदर इंग्रेडिएंट्स की बात करें, उसके इंग्रेडिएंट्स हैं साइनाकोबालामिन्स, विटामिन B12, एर्गो कैल्शिफ्रोल्स, फॉलिक एसिड्स, आयरन, मैग्नीशियम सल्फेट्स, विटामिन B3, विटामिन B6, जिंक सल्फेट्स इसके अंदर डाले गए हैं। प्रोटीन प्लस चॉकलेट फ्लेवर पाउडर का यूज़ के बारे में बात करें, इसका इस्तेमाल प्रोटीन प्लस पाउडर, प्रोटीन पाउडर मांसपेशियों के निर्माण, ऊतकों की मरम्मत और एंजाइम और हार्मोन बनाने में मदद करता है। प्रोटीन प्लस पाउडर पेशेवर रूप से निर्मित दैनिक पोषण पेय है। वयस्क पुरुषों के लिए एक वे प्रोटीन पाउडर जिसमें प्रोटीन सप्लीमेंट की प्रचुरता होती है, ये पूरे समय मांसपेशियों और ताकत को बनाए रखने में सहायता करता है। प्रोटीन प्लस पाउडर में अधिकांश अन्य लोकप्रिय प्रोटीन सप्लीमेंट ड्रिंक की तुलना में 3 गुना वे प्रोटीन होता है, जिनसे कसरत वाले वयस्क लोगों के लिए यह उनकी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए एक बेहतरीन प्रोटीन पाउडर है। जिसमें कसरत करने वाले वयस्क लोगों के लिए एक एक्टिविटी ड्रिंक या सप्लीमेंट के रूप में प्रभावी रूप से काम करता है। प्रोटीन प्लस पाउडर प्रोटीन पाउडर पूरे समय मांसपेशियों और ताकत को बनाए रखने में सहायता करता है। यह ट्रिपल वे प्रोटीन पाउडर संयोजन के साथ अमीनो एसिड्स रिलीज त्वरित और नियंत्रित है। वे प्रोटीन पाउडर स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, क्योंकि इसमें कई महत्वपूर्ण अमीनो एसिड होते हैं जिन्हें शरीर नहीं बना सकता है, और यह मांसपेशियों की वृद्धि और ताकत में सहायता करता है। कुल मिलाकर यह स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और एक सक्रिय जीवन शैली बनाए रखने के लिए सबसे अच्छा प्रोटीन पाउडर ड्रिंक है। प्रोटीन प्लस चॉकलेट फ्लेवर पाउडर ओवरऑल हेल्थ को हेल्थी कर सकता है। प्रोटीन प्लस चॉकलेट फ्लेवर पाउडर के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट में हो सकता है मतली होना, हल्के पेट में ऐठन होना, दस्त लगना, तो कुछ कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो प्रोटीन प्लस चॉकलेट फ्लेवर पाउडर का इस्तेमाल अपने डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल करें। प्रोटीन प्लस चॉकलेट फ्लेवर पाउडर किस प्रकार काम करता है। प्रोटीन प्लस पाउडर प्रोटीन खनिज और विटामिन वे प्रोटीन पाउडर कंसंट्रेट्स, सोया प्रोटीन आइसोलेटेड शुगर, अनाज का अर्क कैसिन्स का एक संयोजन है। समय के साथ एक प्रोटीन सप्लीमेंट एमिनो एसिड्स की एक त्वरित और स्थिर रिहाई प्रदान करता है। मांसपेशियों की वृद्धि और रखरखाव के लिए इन एमिनो एसिड की आवश्यकता होती है। प्रोटीन प्लस पाउडर एक पौष्टिक पेय में 3 प्रोटीन के व्यक्तिगत लाभों के कारण निरंतर मांसपेशियों के निर्माण रखरखाव के लिए एक सर्वश्रेष्ठ प्रोटीन पाउडर है। प्रोटीन प्लस पाउडर 13 सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर है, जिसमें 34% प्रोटीन के अलावा 12 विटामिन और एक खनिज शामिल है। प्रोटीन प्लस पाउडर प्रोटीन सप्लीमेंट्स के एक कम वसा वाला बहुउद्देशीय सर्वश्रेष्ठ प्रोटीन पाउडर है। प्रोटीन प्लस चॉकलेट फ्लेवर पाउडर को यूज़ करने के पहले अपने चंद्र पीसी फैमिली डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करें, बाद में पाउडर का इस्तेमाल करी। अपने मन से प्रोटीन प्लस चॉकलेट फ्लेवर पाउडर का इस्तेमाल कभी भी नहीं करी तो प्रोटीन प्लस चॉकलेट फ्लेवर पाउडर के बारे में कुछ भी डाउट तुम्हें कमेंट से बताएं। प्रोटीन प्लस पाउडर का वीडियो आपको थोड़ा सा यूजफुल हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल को प्रेस कर दिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोज़। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ और नॉलेज के लिए था। कोई भी प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें।